हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का शर्मा निटिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 4 से 5 साल तक के बच्चे की फ़्रॉक लेके आई हूँ। इसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पर मैंने 80 फंदे डाले हैं और 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं। फिर ये डोरी डालने के लिए होल बनाए हैं और 80 से फिर फंदे बढ़ा कर 40 फंदे बढ़ा कर 120 फंदे घेर में रखे हैं और पूरा घेर ऐसे करके नीचे को बना के लाए हैं। ये यहाँ पर 120 फंदे हैं लास्ट में और 8 सिलाइयों का देखिए बॉर्डर बनाया है मैंने, केवल उल्टी उल्टी। आप चाहें तो केवल उल्टी उल्टी बना सकते हैं, चाहें तो सीधी सीधी बना सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न देखिए बहुत प्यारा पैटर्न है, बनने के बाद भी बहुत सुंदर लग रही है फ्रॉक। फिर दोबारा से मैंने जो यहाँ फंदे सिंगल धागे से डाले थे उन्हीं फंदों को मैंने फिर से उठाया है और ये ऊपर का बेस बनाया है। ये देखिए ऊपर का, ये 2 उंगल बनाने के बाद यहाँ से दोबारा से फंदे खोल के, सिंगल धागे से फंदे डाले थे इसलिए उन्हीं को खोला है और दोबारा से फंदे भर के यहाँ से मैंने ये 2 इंच तक सिंपल बनाया है। 80 फंदों को 80 फंदे बुने यहाँ से यहाँ तक, इधर भी देखिए 80 फंदे बुनने लगातार बुनने हैं और उसके बाद फिर ये घटाई की है 4, 3, 1, 1, ये घटाई करके और अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसे मैंने तैयार कर लिया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पीछे का पेस है, ये तैयार हो गया। अब सेम ऐसे ही हमने आगे का बनाया है, आगे का घेर बन के तैयार हो गया है और फंदे भर के 80 फंदे मैंने आगे वाले में भी डाले हैं। यहाँ पर 80 फंदे डाल के 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मैंने वही जाली बनाई है, डोरी डालने के लिए होल बनाए हैं देखिए, और 120 फंदे बना के इसके अभी घेर मैंने कंप्लीट किया है। अब हम इसे आगे से खुला हुआ बनाएंगे, तो उसे कैसे बनाना है उसका बताते हैं। अब देखिए हमने आगे के पेस में भी 2 उंगल बनाने के बाद ये यहाँ घटाना स्टार्ट कर दिए, 3 फंदे मैंने घट गए हैं, 1 सिलाई मैंने घटा दी है। अब दूसरी सिलाई बुनते हुए लाएंगे इधर, इधर भी देखिए मैंने 1 घटा दी है, 3 फंदे मेरे घट गए हैं। अब 2 फंदे घटेंगे फिर 1 घटेगा और इसके बीच में से पहले गला कैसे बनाना है वो बताते हैं। ये देखिए आगे का पीछे का एक बराबर बन गया है घटाने के बाद, 80 फंदे मैंने डाले थे, अब घेर बनाया 120 फंदे का, उसके बाद फिर दोबारा से वही फंदे मैंने खोल के भरे हैं और फिर से बनाना शुरू किया। 80 फंदों को मैं 2 इंच तक बना चुकी हूँ, ये देखिए यहाँ तक। अब हम इसकी घटाई करेंगे, आगे की घटाई और गले की घटाई हम साथ साथ करेंगे। एक लाइन में मैंने देखिए आगे के फंदे घटा दिए हैं, 4 फंदे इधर घट गए हैं, 4 फंदे मैंने दूसरी साइड घटाए हैं। अब आई दूसरी सिलाई, इसमें देखिए अब हमें जितने ये फंदे हमारे बचे हैं 64 फंदे बचे हैं, 64 फंदों को हम अभी पहले यहाँ पे 3 घटाएंगे, उसके बाद आधे आधे कर लेंगे, यहीं बीच में आके आधे आधे करके हम वापस आएंगे। देखिए कैसे पहले हम 3 फंदे घटाते हैं क्योंकि अभी हमारी घटाई पूरी नहीं हुई है। घटाने का तरीका वही है, हर एक में बता रखा है, 2 का 1 करके घटाना है। दो, 1 फंदा और घटाएंगे। अब देखिए 3 फंदे हमारे घट गए हैं, बाकी फंदों को हम सबको सिंपल सिंपल बुनेंगे, ऐसे ही सीधे बुन के अब सेंटर में लेके आएंगे। ये 64 फंदे बचे हुए हैं मेरे पास, इसके हम आधा करेंगे, 64 में से अब 3 हमने इधर घटा दिए, 3 उधर के लिए छोड़ेंगे और इसके बीचों बीच में लाके इन्हें आधा आधा करेंगे। मैं पीछे बीच में सेंटर में लाके तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आधे आधे कर लिए, ठीक है, ये फंदे आधे आधे हो गए हैं, आधे मैंने इस साइड छोड़ दिए, आधे मैंने इस साइड छोड़ दिए और उसमें से 8 फंदों की पट्टी बनेगी, ठीक है, 8 फंदों की पट्टी उल्टे उल्टे बना रही हूँ। आप चाहें तो केवल सीधे सीधे बना सकते हैं, इसे हर सिलाई में उल्टे उल्टे बनाऊंगी 8 फंदे। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, इधर को हमें वापस नहीं जाना है, हमने जो ये बीच में हमारे फंदे थे चोली के, इस चोली के फंदों को हमने घटाना स्टार्ट किया दोनों साइड से। ये देखिए यहाँ से पहली लाइन घटा दी, 4 एक साइड घटाए, 4 एक साइड घटाए, 8 फंदे घटा दिए, दूसरी लाइन आई हमने उसमें 3 फंदे घटाए हैं और बाकी फंदों को आधा आधा कर लिया, 3 फंदे हमने इस साइड के लिए पहले छोड़ दिए हैं, उसके बाद हमने आधे आधे किए हैं, आधे आधे करके बीच में सेंटर में 8 फंदों को उल्टा बना रहे हैं क्योंकि ये पट्टी बनेगी। अब हमें आगे को नहीं जाना, यहीं से हमें वापस आना है,
जो पट्टी है ये हर सिलाई में, हर एक सिलाई में इसे उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, और बाकी अपने प्लेन जैसा हमारा डिजाइन है उसी के अकॉर्डिंग बना के, और कम से कम 20 सिलाइयाँ बनाने के बाद आपको अभी दिखाती हूँ। 20 सिलाई तक हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, अब ये यहाँ पर तीसरी बार हमें घटाएंगे, तो देखिए पहले हमने 4 घटाए, फिर 3 घटाए, अब हम एक फंदा घटाएंगे इधर। ये देखिए, और बाकी सारी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे, पूरा यहाँ तक बना के लाएंगे जहाँ हमने पट्टी बनाई है यहाँ तक। ये देखिए, हम बना के यहाँ तक ले आए वापस। अभी देखिए, पहले 4, 3, 1, अब हम एक फंदा और यहाँ पर घटाएंगे बस, फिर हमारी घटाई पूरी हो जाएगी और हम ऐसे ही बुनते हुए यहाँ तक लाएंगे। एक फंदा घटा के 4, 3 और 1, एक फंदा और, अब हमारे बगल की घटाई पूरी हो गई। अब हम इसे ऐसे ही बनाते हुए लाएंगे लास्ट तक। ये देखिए, ऐसे ही अब हमें बनाना है जैसे हमने यहाँ तक बनाया है। ये देखिए, अब हमारी घटाई पूरी हो गई है, अब हमें कुछ नहीं घटाना है और ऐसे ही सिंपल सिंपल बुनना है, और इधर ये पट्टी बनाते हुए जाना है। जब हमारे एक साइड ये पूरी हो जाएगी, हमें कहाँ तक बनाना है देखिए, पीछे का पेच है, इसकी लंबाई देख के कम से कम 3 इंच बनाने के बाद तब गला घटाएंगे। 3 इंच बना के फिर दिखाते हैं आपको, अगर छोटा लगेगा तो हम और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, 3 इंच तक बनाने के बाद फिर हम इसमें आगे का गला घटाएंगे। तब तक हम ऐसे ही अपना एक साइड बुनते जाएंगे। एक साइड हमने देखी ऐसे ही कंप्लीट नहीं की है, इसे हमने ऐसे ही छोड़ रखा है, बस केवल हम यही वाला भी पेच बना के तैयार करेंगे गले तक। जैसे हम जब गला घटाएंगे तो आपको फिर से दिखाएंगे। ऐसे ही हमें अपना प्लेन बनाना है, यहाँ 8 फंदों की पट्टी बनानी है। इधर हमारी घटाई पूरी हो गई, अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, ऐसे ही सिंपल बुनते चले जाना है ऊपर तक। कहाँ तक? 3 इंच तक, 3 या 3.5 इंच। पहले मैं 3 इंच बना के देखती हूँ, और कम लगेगा तो हम आधा इंच और बढ़ा देंगे और इसे बनाएंगे। फिर गला घटाना आपको दिखाते हैं। पहले हम एक साइड कंप्लीट करेंगे, फिर हम सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। जितने हमने इधर घटाए हैं ऐसे ही सेम घटा के हम इस साइड भी कंप्लीट करेंगे, फिर गला बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक बना के हमने तैयार कर लिया है। ये है, ये पीछे का पेच है और ये आगे का। अब देखिए, आगे का पेच हमने बना के तैयार कर लिया है गले तक। अब पीछे के पेच से आगे के पेच में केवल 2 इंच का फर्क रह गया है। 2 इंच में अब हम गला घटाएंगे। ये देखिए, 2 इंच का अब हम गला घटाएंगे। आपको क्लियर दिख रहा होगा, कई बार मैं बता चुकी हूँ, मैंने आगे की कटाई ऐसे की है, 4, 3, 1 और 1। इस तरह से हर सीधे सिलाई पाके फंदे घटाए थे, पहले 4, फिर 3, फिर 1, फिर 1। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बीच में फंदे ला के सेंटर में मैंने ये पट्टी बनाई है। जितने फंदे थे मेरी चोली में, इसके मैंने पूरे का आधे आधे करके और इसे पट्टी बनाई है। अब यहाँ तक बनाने के बाद अब हमारे इसमें केवल 2 इंच की कमी रह गई है ऊपर। 2 इंच अब हम इसका गला घटाएंगे। गला कैसे घटाएंगे? पहले ये जो 8 फंदों की पट्टी है, इसे हम सेफ्टी पिन पे फंदे सेव कर लेंगे और हर सीधी सिलाई में यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे। ये देखिए, मैंने ये फंदे सेव कर लिए हैं सेफ्टी पिन पे, और इससे पहले वाले 2 फंदों का 1 करना है। इस बात का ध्यान रखना, हर सीधी सिलाई में आके घटाना है, उल्टी सिलाई में नहीं घटाना है। अब इसे हम कैसे घटाएंगे इसका भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये लाइन अच्छी सी आनी चाहिए। अगर हम ऐसे करके घटाएंगे तो लाइन हमारी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए हम ऐसे करके घटाएंगे। कैसे? पट्टी की साइड, जो फंदे हमारे पट्टी वाले हैं, ये वाले पिन वाले, इनकी साइड से ऐसे इस टाइप से 2 का 1 करना है। हो गया। अब हम यहीं से वापस आ जाएंगे और उल्टी सिलाई में हम कभी भी कोई फंदा नहीं घटाएंगे। हर सीधी सिलाई में आकर हमें एक फंदा घटाना है। पट्टी के फंदे हमने देखिए सेव कर लिए हैं। उल्टी सिलाई में हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। उल्टी सिलाई हमें ऐसे ही बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए, अब ये बन के कंप्लीट हो गया। एक साइड पूरी तैयार हो गई है, पीछे वाले पेच के बराबर तक हमने ये बना के तैयार कर दिया है गला। हर सीधी सिलाई में एक ही फंदा घटाया है और कंप्लीट कर दिया। अब हमें ऐसे ही दूसरी साइड इधर का भी ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, इधर का मैंने जैसे इधर घटाए थे सेम वैसे ही इधर घटे हैं, 4, 3, 1 घटा के, और यहाँ पहली ही सिलाई में
सबसे पहले जब ये एक साइड हमने ये कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमने पीछे के आठ फंदे, पट्टी के पीछे के आठ फंदे हमने यहाँ उठाए हैं पट्टी के पीछे से, देखिए नीचे से, ठीक है। और इन फंदों को हम जैसे हमने आगे वाली सिलाई में, आगे वाले पेज में ये वाले उल्टे उल्टे बुने, ऐसे हम इन्हें बुनेंगे उल्टे, और बाकी फंदों को हमने इधर ला के तीन और एक करके घटा दिया है, ठीक है। और सेम वैसा ही बनाना है, इसके बराबर तक बनाएंगे जितनी लाइनें इसमें बनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह लाइनें हमने ये बनाई हैं, ग्यारह दूनी बाईस सलाई हैं। बाईस सलाइयाँ बुनने के बाद फिर हम ऐसे ही जैसे हमने ये गला घटाया है सेम ऐसे ही हम इधर गला घटाएंगे इस वाले पेज में, इस वाले में हम ऐसे ही सेम इधर गला घटाएंगे। पहले हम 22 सलाइयाँ बुन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह दुनी 22 सलाइयाँ बुनने के बाद हम सेम ऐसा ही बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फाइनल लुक इसका ऐसा आएगा, ये कितनी प्यारी फ्रॉक लग रही है। ये मैंने मुड्ढे इसके जोड़ दिए हैं दोनों, ये भी ऐसे ही बना के तैयार कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और ये दोनों कंधे मैंने जोड़ दिए हैं, ये देखिए इधर भी और इधर भी, दोनों साइड कंधे जोड़ कर तैयार कर दिए। अब इसमें कॉलर बनना रह गया है, इसमें कॉलर बनना रह गया, कॉलर की वीडियो अलग से डालूंगी, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आप बताइए आपको ये मेरे वीडियो कैसा लगा, मेरी फ्रॉक कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखते रहिएगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।